हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाजी ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत है। और आज रैंडम व्लॉग कर रहा हूँ, कुछ प्लान नहीं है क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या कंटेंट डालना है, लेकिन जो भी वीडियो बनेगा मैं डालने का ट्राई करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया है और कुछ तो डालने को बनता है। तो कुछ भी बनेगा, कुछ भी होगा, जो भी वीडियो बनेगा मैं डालूँगा चैनल में। तो आज चाहिँ रैंडम ब्लग हुन लागेको छ, एक दुईवटा काम निपटाएको छु अनि धेरै भयो आफूलाई टाइम नदिएको। आज रैंडम ब्लग हो रहा है, कुछ भी प्लान नहीं है, यहाँ जाऊँगा, यह करूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बहुत दिन हो गया है अपने आप को टाइम नहीं दिया है, इसलिए सोच रहा हूँ कि ऊपर एक गेड़ी मार लूँ, एक राउंड राइड करके आऊँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, तो सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ तो डालने के लिए। तो जो भी बनेगा, जैसे भी बनेगा वीडियो, मैं वही डालने का कोशिश करूँगा। डेवलपमेंट का रास्ता है, मैं शायद सोच रहा हूँ ऊपर एक राउंड गणेश टक की साइड जाऊँ और आप लोग के लिए कुछ वीडियो बना के लाऊँ। अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जो भी बनेगा मैं डालने के लिए कोशिश करूँगा। अभी लोसुंग का छुट्टी है, एक हफ्ते का छुट्टी था और है, छुट्टी चल रहा है तो रोड ज़्यादा से ज़्यादा खाली है। इतना ट्रैफिक जाम नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोविड के वजह से सब खत्म हो गया। पता नहीं आप लोग कैसे सोचते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, टूरिज्म जो भी है, बिजनेस जो भी है, सब लॉस में चल रहा है, सब डूब गए हैं और सभी को ज़िंदगी चलाने में थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि हम जैसे जो यंग जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, हम जो भी है, हमारे तो पूरा फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है और प्रेजेंट भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अभी कमाने का उम्र यही है ना, ना प्रेजेंट में कुछ कर पा रहे, ना ही हम फ्यूचर के लिए कुछ कर पा रहे। हमारा तो प्रेजेंट भी ख़राब हो रहा है और फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन क्या, मैं अभी जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पर 3 लोकल साइट सीन रास्ते में पड़ेगा, एक गणेश टक पड़ेगा, एक टासी व्यू पॉइंट और एक बागथांग फॉल्स। ये गैंगटॉक का लोकल साइट सीन में पड़ता है, आप आएंगे तो लोकल साइट सीन में ये 3 भी इंक्लूड होगा। यार बहुत ठंड है, बहुत 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 ठंड है, और 2 दिन पहले मैंने 2 आइसक्रीम खा लिया था तो गले बैठा हुआ है, बहुत सर्दी लग गया है, बहुत ठंड पकड़ दिया। और वैसे भी यहाँ पर मौसम भी बहुत ठंडा है, जहाँ भी जा रहा हूँ ऊपर वहाँ भी बहुत ठंड है, बहुत बहुत। बहुत दिनों के बाद निकला हूँ ऐसे घूमने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए। ये जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मैं शायद ही 2 महीने पहले ही किया हूँ, उसके बाद नहीं किया हूँ।
और आज जाने का मन किया तो हम निकल पड़े। वैसे भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे बाइक तो ख़रीदना ही है एक, ये जो भी मैं चला रहा हूँ ये थंडरबर्ड, ये मेरा भाई का है, मेरा एक भाई का है, अभी मैं ये यूज़ किया हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कौन सा बाइक लूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। एक मैट्योर के लिए भी सोचा हूँ और एक हिमालयन के भी सोचा हूँ और एक 310 RR अपाची के लिए भी सोच रहा हूँ। तो मैं इन तीनों बाइक में बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, देखते हैं सिचुएशन कैसा रहता है। अभी लॉकडाउन का थोड़ा थोड़ा बात तो चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन होगा या नहीं होगा इतना मालूम नहीं, लेकिन मुझे जितना भी लगता है कि लॉकडाउन तो होगा ही ना, तो देखते हैं आने वाले दिन में। लॉकडाउन हो गया तो हम जो भी हेल्थ में काम करते हैं अंडर हेल्थ, हमारा काम बढ़ जाएगा। वैसे भी हेल्थ वर्कर्स का ये कोविड के टाइम में तो बहुत ही काम बढ़ा है, और अब फिर भी लॉकडाउन होगा तो फिर काम बढ़ेगा। बहुत स्टीप है ये रास्ता, आज हिन्दीमा बोल्नु पर्दाखेरि अनौठो चाहिँ अनौठो लागिरहेछ किनकिन, तर हिन्दीमा गर्नै परिरहेको छ, नेपाली बिर्सेको त होइन, तर पनि हिन्दीमा हिन्दी बुझ्नु नि अडियन्स धेरैजना हुनुहुन्छ, सो उहाँहरूको लागि पनि हिन्दीमा बोल्नु जरुरी भइरहेको छ। अब एक गेड़ी ही मारेंगे क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं अभी, और शाम को होने वाला है, सूरज भी डूबने वाला है, देख सकते हैं आप सूरज डूबने वाला है। हम ये रूट एक राउंड मारेंगे, जो भी फुटेज निकलेगा जो भी वीडियो बनेगा मैं वही डालने का कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने कुछ भी नहीं डाला है और आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, बहुत सब्सक्राइबर गेन हुआ है, आप सभी को शुक्रिया, दिल से शुक्रिया एक बार फिर भी। भाई ये रास्ता, ये ऊपर का रास्ता जो भी देख रहे हैं, ये हनुमान टक जाएगा और छांगू लेक, बाबा मंदिर और नथुला पास जाएगा। ये रास्ता बहुत सुनसान रहता है और बहुत अच्छा लगता है इस रास्ते में राइड करने को, क्योंकि थोड़ा दिल खुश रहता है, दिल को सुकून मिलता है। ये रास्ता जब भी हम पहले बाइक सीख रहे थे तो यही रास्ते में हमने भी बाइक चलाना सीखा है, अभी तो बैन कर दिया है, पुलिस पेट्रोलिंग रहता है। ये एक साइड सीन पॉइंट है, ये गणेश टॉक है गैंगटॉक का, और ये जो भी गेट देख रहे हैं ये जू जाता है, यहाँ पर जू है और ये गणेश टॉक है, यहाँ पर गणेश का मंदिर है, यहाँ पर भी टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत बहुत। यही रास्ते में हमने भी बाइक चलाना सीखा है, और जब हम पहले सीख रहे थे तो यहाँ पर हम बहुत मज़े लेते थे, यहाँ पर स्टंट भी करता था हमारे यहाँ का बंदे लोग, और हम भाई लोग मिल के इस रास्ते में बहुत राइड किया है। अभी तो जो लर्नर होता है गाड़ी बाइक जो भी हो यहाँ पर सीखने नहीं देता है, और स्टंट भी बैन किया है, स्टंट भी करने को नहीं देता है, और यहाँ पर पुलिस कभी कभी पुलिस आके पेट्रोलिंग करता है और सब बैन किया है। ये रास्ता बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ठंड है, बहुत बहुत ही ठंड है, बहुत सर्दी लग गया, दो आइसक्रीम ने ही तहलका मचा दिया। तपाईँहरू जति पनि नेपाली भाषी हुनुहुन्छ, नेपाली बुझ्नुहुन्छ, तपाईँहरूको सहयोगको लागि एकदमै धन्यवाद छ, अनि विशेष गरी आउने दिनमा पनि सपोर्ट गर्नुहोस्। हाम्रो नेपाली भाषीहरू हामी जतिजना पनि छौँ, हामी एकअर्कालाई तान्ने,
हामी एकअर्काको आरिस गर्ने काम मात्रै बेसी गर्छौँ, तर हामी एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नु एकदमै जरुरी छ। कोही पनि अगाडि बढ्दैछ भने वी हेभ टु पुस देम, होइन। मैं कुछ जो भी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि चैनल मोनिटाइज हो या ना हो, पैसा कमाए या ना कमाए, लेकिन आप लोग जो प्यार देते हो वही बड़ी बात है। जितना भी सब्सक्राइबर गेन हो रहा है वही बड़ी बात है, उसी से हम खुश हैं। यहाँ पर भी छोटा छोटा स्टॉल है चाय खाजा के लिए, अभी बंद कर रहे हैं। यहाँ भी टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं और खाते हैं, पीते हैं, मौज लेते हैं। यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं, यहाँ भी फोटो खिंचाते हैं। गैंगटोक शहर है ये, एक्चुअली हेलीपैड की तरफ का सीन है। नीचे हेलीपैड दिख रहा है और हम यही रास्ते से नीचे जाएंगे। अभी सनसेट होने ही वाला है और जल्दी ही शाम ढल जाएगा। बहुत शांत जगह है, यहाँ पर आने से दिल खुश हो जाता है। कभी कभी आते हैं हम फ्रेश होने के लिए, माइंड फ्रेश करते फिर चले जाते हैं। ये ऊपर टासी व्यू पॉइंट है, यहाँ पर भी टूरिस्ट पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। यहाँ भी टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं, ये भी साइट सीन का एक पॉइंट है गैंगटोक का। और ठंड लग जाएगा हमको आज। इतना जाम लगा दिया, शाम होने को है, बहुत ठंड बढ़ गया। ओए ये स्वस्तिक है गैंगटोक का, ये जगह को स्वस्तिक बोलता है। आप आ सकते हैं गैंगटोक विजिट करने के लिए, सिक्किम घूमने के लिए, ईस्ट और नॉर्थ घूमने के लिए आपको मिनिमम 5 डेज लेके आना चाहिए, 5 डेज 5 नाइट, क्योंकि यहाँ का लोकल साइट सीन है। उसके बाद छांगू बाबा मंदिर और नथुला पास है, उसके बाद नॉर्थ जाएंगे तो आपको लाचुंग लाचेन गुरुदोंगमार ये सब करके कम से कम 4 या 5 दिन तो लगेगा, तो आप आ सकते हैं। उसके बाद वेस्ट सिक्किम भी है, वहाँ भी अच्छे अच्छे जगह है, ट्रैकिंग के लिए भी जगह है, आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, हमारे जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी शाम बहुत जल्दी ढलेगा ना, तो अंधेरा पड़ जाएगा, फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सूरज डूबने वाला है, आप देख सकते हैं सूरज डूबने ही वाला है। बहुत ठंड पड़ गया। यहाँ पर बागथंग फॉल्स है, अभी तो पानी इतना ज़्यादा नहीं है फॉल्स में क्योंकि बारिश का समय नहीं है। बारिश के समय में यहाँ पर बहुत अच्छा फॉल्स है। यहाँ पर ये रोप में अगर वगैरह वगैरह भी खेलते हैं,
यहाँ पर भी टूरिस्ट पॉइंट है एक। वो भैया देख रहे हैं, वो खेल रहा है, ऐसा ही है यहाँ पर, ये भी टूरिस्ट पॉइंट ही है। वो लोग बहुत खेलते हैं, मज़े करते हैं, और ये वाटरफॉल्स बहुत अच्छा रहता है बारिश के समय में। यहाँ पर आप आके ट्रेडिशनल हमारा जो भी है नेपाली भुटिया लेप्चा किसी का भी ट्रेडिशनल ड्रेस लगा के फ़ोटो खींच सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। ये भी एक साइट सीन का एक पॉइंट है, यहाँ भी टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं बहुत। जो भी नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हैं हमको हमारे वीडियो को, हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। कहीं भी हम जाते हैं कहीं भी, बहुत अच्छे अच्छे घूमने का जगह है, नेचुरल ब्यूटी है। अभी हम बाजरा की तरफ जा रहे हैं। ये बाजरा है, यहाँ पर मूवी हॉल भी है, यहाँ पर बड़ा सा आइनॉक्स मूवी हॉल भी है, और यहाँ पर अभी बाजरा वर्ल्ड करके एक शॉपिंग मॉल भी है, और यहाँ पर KFC आया है, यहाँ पर KFC भी है। KFC आया हुआ लगभग 4 महीना, हाँ 4 महीना ऐसे हुआ है। और ये जो भी स्टैंड है यहाँ से नॉर्थ का गाड़ी मिलता है, लोकल नॉर्थ का लोकल गाड़ी भी मिलता है, और जितना भी छांगू बाबा मंदिर नथुला युमथांग लाचुंग जो भी जाते हैं नॉर्थ और ईस्ट का जो भी घूमने का पॉइंट है बड़ा बड़ा, सभी का गाड़ी यहाँ से छूटता है। अभी हम वापस वही रूट में कनेक्ट हो जाएंगे। एक राउंड गेड़ी मार लिया पूरा एक राउंड। हमारे यहाँ पर ट्रैफिक रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो पुलिस पकड़ लेगा, और गाड़ी को ओवर जो भी जाम में रहता है ओवरटेकिंग का परमिशन नहीं है, आपको पकड़ लेगा, और हॉर्न भी नहीं बजा सकते, अननेसेसरी हॉर्न बजाने से भी फाइन है, तो आप हॉर्न भी नहीं बजा सकते, नॉइस पोल्यूशन कम है इसीलिए। और वो पेट्रोलिंग में जो भी बाइक में ट्रैफिक पुलिस रहता है वो पूरे दिन ही घूमते रहते हैं, कहीं भी इलीगली पार्क किया हो, ओवरटेकिंग जो कोई भी हो ट्रैफिक के नियम के विरुद्ध, उसको चालान काट देता है। और ट्रैफिक बहुत ही सख्त है, सख्त लेकिन अच्छा है, डिसिप्लिन में रहते हैं। हम जहाँ से आए थे वहीं से हम घूम रहे, एक राउंड हो गया, तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। जो कोई भी कमेंट आएगा मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा अच्छी तरह से, और फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। Till then, bye bye, take care, keep loving, keep supporting.